यूसुस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1, परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की। वेलकम टू जीएस एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिकली बात करेंगे इस टेबल की। फ्रैक्शंस, परसेंटेज एंड डेसिमल में हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दिया गया। इसमें जो है दिया गया है कि आपके पास 3/4 है, 75% होता है, और डेसिमल में इसकी 0.75 वैल्यू दी। यानी पहला क्वेश्चन खुद सॉल्व किया हुआ है, दूसरे में उन्होंने हमें फ्रैक्शन दे दिया हुआ है और डेसिमल भी दे दिया हुआ है, परसेंटेज हमने निकालना है। तो हम डेसिमल से भी परसेंटेज निकाल सकते हैं और फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले फ्रैक्शन से निकाल लेते हैं, फिर डेसिमल से भी निकाल लेते हैं। स्टूडेंट्स, 4/5 है, इसको हमने अगर हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो आपको पता है कि 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, और डेफिनेटली 4/5 है, तो जो भी इसका आंसर होगा उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 4 को अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 400 होता है, और इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो है वो बनेगा हमारे पास 80%। तो लिहाजा वहाँ पर 80% लिखा भी हुआ था। अब हम ऐसा करते हैं कि डेसिमल को भी कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज में। सो हमारे पास 0.80 लिखा हुआ। आपको पता है कि पॉइंट के बाद दो नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम जीरो पहले हम स्टूडेंट्स जो है वो 0.80 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है? और जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 100 से फिर डिवाइड भी कर देंगे। सो हमारे पास इसका आंसर जो है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो 80 है, और 100 से हम इसको जो है अब डिवाइड करेंगे, राइट? तो स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट ये करनी है कि पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं, तो आपने अब ऐसा करना है कि 100 से ही जो है वो मल्टीप्लाई करना है, 100 से ही डिवाइड करना है। पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं तो आपने 100 से इसको डिवाइड कर देना है और 100 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो डेफिनेटली ये कट जाएंगे आपस में, हमारा आंसर जो है वो 80% आएगा। सो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन करना। अब अगला करते हैं स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन का अब थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में आपको नज़र आ रहा है 40% जो है वो दिया हुआ है। अब इसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे, इसके अलावा इसको हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने परसेंटेज को डेसिमल में करना है तो आपने डेफिनेटली इसको 100 से डिवाइड करना होगा। सो हम क्या करेंगे, 40/100, ठीक है? अब ये परसेंटेज का निशान ख़त्म कर देंगे ना, उसके लिए साथ हम यहाँ जो है वो 100 के निशान को लगाएंगे। तो 4 को 10 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4। तो दैट इज़ डेसिमल नंबर जो हमें चाहिए था। उसके अलावा अगर वो कह रहे हैं कि आपने जो है कन्वर्ट करना है 40% को फ्रैक्शन में, जिस स्टूडेंट्स हमारे पास अब ये 40% को फ्रैक्शन में करना है, तो इसमें भी हमने यही करना होगा कि 40 को 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है? और फिर हमने यहाँ पे 4 को 110 से डिवाइड कर देना, क्योंकि वो 0-0 से कट जाएगा। तो अब ये फ्रैक्शन लिख दिया हुआ है। अब इसको मज़ीद जो है आप कर सकते हो लोएस्ट फॉर्म में। ये 2 के टेबल में आ रहा है और ये 5 के टेबल में आ रहा है, तो 2/5 कर दो आप इसको, ठीक है? तो 2/5 जो है अब ये 40% का फ्रैक्शन बन गया, ठीक है? क्योंकि आपने यहाँ से क्या किया कि 4, आपको पता है कि 2 के टेबल में 2 टाइम्स आता है, और 10 2 के टेबल में 5 टाइम्स आता है, तो फिर ऊपर 2 आ गया और नीचे 5 आ गया। सो इस तरीके से आपने इसको फ्रैक्शन में कर दिया। तो यहाँ पे आप 40% डेसिमल में लिखना है तो आप 0.4 लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने लिखना है फ्रैक्शन में तो 2/5 लिख सकते हैं, राइट? यू कैन राइट 2/5। अब हम चलते हैं अपने छठे चौथे सवाल की तरफ, जिसमें हमने डेसिमल 0.62 में दिया हुआ है। इसको अब आप परसेंटेज में करना है या फिर आपने इसको फ्रैक्शन में करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन था कि 0.62 जो है वो हमारे पास डेसिमल में वैल्यू है, इसको हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, अब पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हैं, तो आप क्या करेंगे, 62 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो ये कट जाएंगे आपस में। डेफिनेटली आपके पास आंसर 62% आ जाएगा, राइट? उसके बाद आपने डेसिमल को कन्वर्ट करना है, 0.62 को कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, आप 0.62 को जो है फ्रैक्शन में करने के लिए आप क्या करेंगे, आप डेफिनेटली ये पॉइंट को ख़त्म करेंगे, तो ये 62/100 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 62 जो है 2 के टेबल में जो है वो 31 से आएगा और 50 से 100 आएगा। सो 31 और 50 को जो है सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, सो डिवाइड करना सर। तो स्टूडेंट्स, जैसे 6.2 को आपने 100 से किया डिवाइड, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया, 31 और 50 हो गया, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर होगा, राइट? सो दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो पांचवा सवाल है कि 44% है, इसको आपने डेसिमल में भी करना है और फ्रैक्शन में भी करना है।
तो हमने जैसे ये 40% वाला सवाल किया था फ्रैक्शन में भी डेसिमल सेम इसी टेक्निक से आप इसको कर सकते हैं। तो इसको करके अगर आप देखेंगे भी तो इसको आपने डेफिनेटली जब डेसिमल में करना है तो आपने इसको 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो जब आप इसको 44 को 100 से डिवाइड करेंगे, 44 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो वी विल बी हैविंग 0.44। तो दैट इज़ बेसिकली द डेसिमल ऑफ दिस पॉइंट। और इसके अलावा हम इसको अगर फ्रैक्शन में करने चाहेंगे तो फिर डेफिनेटली आप इसको फ्रैक्शन में भी करेंगे तो ये 50 से चला जाएगा और ये 22 से चला जाएगा, ठीक है, और ये 25 से चला जाएगा और इसको हम ब्रेक कर देंगे 11 से। तो 11/25 जो है इसका फ्रैक्शन होगा। तो इसमें आप 11/25 लिखेंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे 0.44, राइट, ये डेसिमल होगा इसका। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमने इस लेक्चर में जो है सीख लिया परसेंटेज रिलेशन प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सारे आंसर्स किए। तो एक्सरसाइज 1.1 तकरीबन हमने सारी सॉल्व कर ली, राइट। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। और 1.2 में जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हमने परसेंटेज में कैसे सॉल्व करना है उसको हमने देख कर चलना है। वी हैव 9 क्वेश्चन, इंशाल्लाह इन सारे क्वेश्चन को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व भी करेंगे। सो हमारे साथ रहेगा। अभी मजीद वीडियोज़ के लिए जो है आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं उनका फॉलो कर सकते हैं। थंबनेल भी आ रहा होगा नेक्स्ट वीडियो का या प्लेलिस्ट का आ रहा होगा, उसमें आप फिर ये वीडियो देख सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।